वायु प्रदूषण के कारण बढ़ते हुए तापमान ने हिमालय के ग्लेशियरों तथा ध्रुव प्रदेशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाना प्रारंभ कर दिया है। यदि यह प्रक्रिया उत्तरोत्तर बढ़ती रही तो संभव है गंगा, सिंध तथा ब्रह्मपुत्र आदि नदियों में पहले तो भयंकर बाढ़ आएगी, तत्पश्चात ये सूख जाएंगी। इसके अतिरिक्त समुद्र का जलस्तर बढ़ने से तटीय भाग जलमग्न हो जाएंगे। संसार को अन्न संकट के साथ श्वसन संबंधी अनेक पीड़ादायक रोगों का सामना करना पड़ेगा। विषैली गैसों तथा धूल और राख के कणों की मात्रा अधिक बढ़ने पर हिमयुग भी आ सकता है, जिससे शीत प्रधान देशों में मानवीय अस्तित्व का रह पाना संभव नहीं हो सकेगा। अंततोगत्वा इस प्रवचन को सुनकर क्या किया जाए? क्या पर्यावरण के संरक्षण के नाम पर हम कारों तथा वायुयानों का प्रयोग बंद कर बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी के युग में प्रवेश कर जाएं? क्या पर्यावरण प्रदूषण के इस भयावह सपने से भयाक्रांत होकर हम विद्युत उत्पादन और उद्योग धंधों को बंद कर दें? क्या मानव मस्तिष्क के पास इस समस्या का कोई समाधान ही नहीं?